हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। मुंबई में किन्नर की हुई हत्या, नाराज ट्रांसजेंडर सड़क पर उतरे और कपड़े उतारकर किया प्रोटेस्ट। अब तक दो लोग हुए अरेस्ट, पैसों को लेकर हुआ था विवाद। बुधवार देर रात मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित राम मंदिर सिग्नल पर एक किन्नर की तेजधार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। उसकी मौत से नाराज साथी किन्नरों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रोटेस्ट किया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए किन्नरों ने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया और थाने की ओर जाने वाली सड़क को घंटों जाम रखा। मामला इस कदर बड़ा हुआ कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे डीसीपी विशाल ठाकुर नाराज किन्नरों को किसी तरह से समझाया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को शांत किया। पैसे को लेकर हुआ था विवाद, गुरुवार सुबह इस मामले में दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि अभी तक उनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। एडिशनल सीपी दिलीप सावंत ने कहा है कि किन्नरों के दो गुटों के बीच पैसों को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा था। पैसे के विवाद के चलते दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। हमने इस मामले में दो लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके आगे की स्टोरी हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हद्दी में वहाँ सुधीर फड़के चौक है। इस चौक में आज शाम को ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके कई लोग वहाँ बेगिंग के लिए खड़े रहे थे, तो वहाँ वो किसने खड़ा रहना उसके ऊपर उनका डिस्प्यूट हो गया। और उस डिस्प्यूट में अभी जो एक मयत हुआ है उसके दो उनके ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ये लोग हैं, उन्होंने चाकू मार दिया। एक ही फैटल इंजरी उसको एक चेस्ट में हुई है, ही डाइड ऑन द स्पॉट। अभी ये खबर मिलने के बाद में आजू बाजू की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग थे वो यहाँ इकट्ठा हो गए और थोड़ा कमोशन वहाँ हुआ। स्पॉट पे एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन या आजू बाजू के सब पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, उन्हें वो इंजर्ड को शिफ्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली डाइड बिफोर एडमिशन टू द शताब्दी हॉस्पिटल। और दो लोग जिन्होंने उनको मारा है उनको पुलिस ने ताबे में लिया है, उनके खिलाफ बाकायदा मर्डर का गुन्हा दाखिल करने का काम चालू है और दोनों को इसमें अरेस्ट किए जाएंगे। सिचुएशन इज टोटली पीसफुल। अभी जो मरा हुआ आदमी है उसकी अभी तक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास आई है, वो ट्रांसजेंडर था नहीं था क्या था उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।